टाइम मिलना चाहिए, टाइम नहीं मिलता। हाँ ये बात भी सही है यार। और रात के दो पैक, ये हमने शॉर्टकट मार लिया। दिन की शुरुआत एक नई राइड के साथ और सर्वेश यहाँ पे अपना इंतजार करते हुए। ये यो आज यो होने वाला है सब। इसको ऐसे पकड़ो ना, ऐसे बस, ऑल सेट। सोच अपन लद्दाख जा रहे हैं, लद्दाख अभी निकले, अरे अलग ही फीलिंग है भाई। तो प्लान कुछ ऐसा है भाई, प्लान तो कुछ भी नहीं है, मतलब यही प्लान है कि प्लान कुछ भी नहीं है। 11:30 बज रहे हैं, निकले हैं हम दोनों, सर्वेश और मैं RC पे और मैं अपना रॉयल इनफील्ड पे। देखेंगे कसारा घाट तक जाएंगे और उसके बाद यूटर्न मार के भाई को एक लोकेशन पता है वहाँ पे जाएंगे, फोटोशूट करेंगे, मैकडॉनल्ड्स में टाइम पास करेंगे। बस यही दिन है आज का, संडे फुल एंजॉयमेंट करना है, राइड करनी है, हाईवे पे गाड़ी दौड़ानी है, अच्छे अच्छे शॉट्स निकालने हैं, 360 निकालना है, DSLR भी लेके आया भाई। अभी जा रहे हैं एक जगह जहाँ से हम लोगों को लेना है कुछ सामान और वो सामान लेके सीधा हम लोग चढ़ जाएंगे मुंबई हाईवे पे। और थोड़ा सा काम भी है अपना फार्म हाउस पे, जो अपना फार्म हाउस है उधर भी जाना है, थोड़ा काम है वो काम करेंगे और उसके बाद अपन राइड कंटिन्यू करेंगे। मतलब मेरा काम भी हो जाएगा, थोड़ी राइड भी हो जाएगी। तो फाइनली चढ़ गए भाई हाईवे पे। बारिश का मौसम तो आज भी हो रहा है, कल मैं आते समय भीग गया था, पर आज जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से दूर जाना है। और कुछ भी बोलो भाई, RC को देखने में मज़ा आता है यार, मतलब अच्छा लगता है गाड़ी को देखने में। जब दूर से अपन गाड़ी को देखते हैं ना तो लुक आता है भाई। अब लेंगे राइड का मजा, थोड़ा पेट्रोल भी डलवा लेंगे क्योंकि आगे से हमको जहाँ पे जाना है फार्म हाउस की तरफ जाना है, तो वो भाई 120 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी। तो पेट्रोल में मैं सोच रहा हूँ टैंक फुल करा लेते हैं, इसकी भी गाड़ी का टैंक फुल करा लेंगे। मुंबई 154, थाने 132 और इगतपुरी, जहाँ से हमको लेना है यूटर्न 33 किलोमीटर ओनली। तो यहाँ से ले लेते हैं अपन थोड़ा सा लेफ्ट पेट्रोल पंप पे, खाना खिलाएंगे फिर हम खाना खाएंगे भाई, इसको खिलाना जरूरी है। बंद है क्या? चालू है नहीं, ये बंद है। टैंक फुल कराना जरूरी है क्योंकि आगे कुछ मिले ना मिले, और कहाँ तक जाना है एक्चुअल में मुझे भी नहीं पता। क्या बात हो गई, 500 का डाल दो, 500 का जा 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 जा, वो फटाक से आओ खाई के जल्दी करो। कल भी 500 का डाला था, मेरे ख्याल से खत्म नहीं हुआ होगा, इसके अंदर है कल का, 100-200 का बचा होगा, चले जाएगी। आपका भी पेट बाहर आ रहा है? पेट भाई क्या बताएं, बाहर आ रहा है, हम भी परेशान हैं, क्या करें बताओ, सुबह सुबह दौड़ लगाएंगे। टाइम मिलना चाहिए, दिन भर काम करके जाओ भी थके रहो। हाँ, और रात के दो पैक वो तो गिनाए नहीं तूने, फुल हो गया भाई। इसकी अपनी RC तो हो गई फुल, ये भी ऑलमोस्ट फुल ही है यार, पहले से भी था, कल 500 का डाला, आज फिर 500 का डाला, मतलब जाएगी, धोखा नहीं देगी, इतना तो पता है मुझे। अगर अंदाज़ा लगा लिया 200-150 किलोमीटर की राइड होगी तो, पर बारिश नहीं आनी चाहिए, बस बारिश आई तो लफड़ा हो जाएगा क्योंकि रेन जैकेट मैं लाया हूँ, ये नहीं लाया। ज़बरदस्त क्लाइमेट हो रहा है भाई, ऊपर देखो पूरा ब्लैक, बिल्कुल भी धूप नहीं है, ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है। और ये जो सड़क है ये नीचे से होके ऊपर जा रही है, और अपने हाथ में है 350 cc, भाई के हाथ में है 200 cc, बस थ्रॉटल देने की देर है, थ्रॉटल दो और भगाओ। ये सर्वेश भी आज बहुत मजे ले रहा है राइडिंग के। 12:15 हो रहे हैं और ये देखो भाई लाइन में लोग खड़े हैं, ऊपर पहाड़ पे जाके बैठे हैं भाई, वो देखो भाई, गाड़ियां हो चुकी हैं चेंज, सर्वेश आ गया अपना बुलेट पे और अपन आ गए RC पे। मैं बोला RC का थोड़ा फायदा तो उठाते ना भाई हाईवे पे, और अभी बहुत टाइम पास कर चुके हैं, इससे पहले अपन दो बार रुक भी चुके हैं, 2-3 फोटो लिए पर फोटो में इतना मजा नहीं आया, DSLR निकालेंगे उसके बाद फोटो लेंगे अच्छी सी जगह पे, और वहाँ पे कम से कम भी अपने को 1 घंटा लग जाएगा भाई, जहाँ पे अपन फोटो शूट करेंगे। और करने के लिए कुछ ड्रेसे हैं उनको चेंज भी करना पड़ेगा, जैसे कि ब्लेजर वगैरह। ओ मैन, अभी तो प्लान ऐसा हुआ है कि अपन सीधा रुकेंगे मैकडी।
राइड का मजा लेते हैं भाई। क्या भाई अपना टोल नाका बस 2-3 किलोमीटर और उसके बाद एक लंबा सा ब्रेक। इंस्टा 360 की जो मेमोरी है वो हो चुकी है फुल, मतलब शॉट ले रहे थे हाथ में था, बहुत देर तक हाथ में था, और जब मैंने मेरे हाथ में लिया सर्वेश के हाथ में से तो मैंने देखा भाई नो स्पेस, 4K में शूटिंग हो रही थी, 5K तक भी जा सकते हैं उसमें, तो मेरे को पूरा स्पेस खाली करने के लिए जगह चाहिए। मैकडी पे रुकेंगे थोड़ी देर, वहाँ पे जाके उसका इंस्टा 360 का स्पेस खाली करेंगे। कहना क्या चाहते हो, ऐसा बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि कहना क्या चाहते हो, जिन्होंने देखा कि भाई ये भी जिंदगी है, ऐसा भी होता है, राइड की नाम की कोई चीज होती है। आ गया अपना मैकडी, आगे निकल जाना है काके, दो दो मर्सिडीज खड़ी हैं, सामान की अदला बदली हो रही है, वाह अमीरों की पार्टी है बॉस। अंदर बैठना अलाउ नहीं है, बाहर से पार्सल लेके आप लोग कट सकते हैं। ओ एक बात तो अच्छी हो गई कि यहाँ पे काउंटर पे आज कोई भी नहीं, कमाल हो गया यार, ओ यार कमाल हो गया, ओई ओई काके। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, क्या खिलाओगे बताओ भाई? सर्वेश क्या खाएगा? मैं आलू टिक्की भाई। भाई दो आलू टिक्की, दो में काम हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अरे भाई अभी अभी एक लफड़ा हुआ है पता चला मेरे को, ये KTM का जो मीटर है इसमें 70 की स्पीड पे मैं जा रहा हूँ ठीक है, और अपनी बुलेट जा रही है ये देखो, मैं 70 पे हूँ, मैं 70 पे हूँ, उसमें 80 दिखा रहा है उसमें 80 है क्या? 10 की स्पीड ज्यादा है ऐसा क्यों? अभी देखो अपनी बुलेट है 80 पे और ये है 70 पे, कुछ तो गड़बड़ है दया, मार दे थ्रोटल, मार दे 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 थ्रोटल दया, दरवाजा तोड़ते हैं अपन, थ्रोटल देते हैं। तो पार्सल लेके निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं कसारा घाट की तरफ और वहां से लेंगे फिर हम लोग यू टर्न। ये बहुत गर्दी हो गई, मैं वही बोल रहा था कि गर्दी बहुत है। ये बहुत ही जबरदस्त स्पॉट है भाई, मतलब यहाँ से नीचे डायरेक्ट खाई है, बहुत मजा आता है ड्रोन के लिए, सच में यार मजा आ गया होता। निकले? चलो चलो कसारा पे यू टर्न लेंगे, वहीं पे कोक लेंगे, चलो लेट्स गो गाइस। सारा घाट हम लोग उतर रहे हैं और हमको आगे से लेना है यू टर्न, और यू टर्न लेने के बाद हम लोग उतर जाएंगे सीधा जंगलों में एकदम कच्चे रास्ते की तरफ, और ये वन वे है तो इधर टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, थोड़े से टायर गल रहे हैं इसलिए ज्यादा मैं ज्यादा टर्न नहीं ले रहा हूँ, पर सच में बॉस अलग ही फील आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इस क्लाइमेट के कारण, क्योंकि ज़्यादा पसीना स्वेट नहीं हो रहा, गर्मी नहीं लग रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, और सबसे बड़ी बात की आज संडे का दिन है मेरे भाई, गाड़ी कर दी है चेंज, मैं आ चुका हूँ अपनी रॉयल इनफील्ड पे। एक बात मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, ये गाड़ी 80 पे भाग रही है तो RC 70 पे क्यों भाग रही है और दोनों साथ साथ चल रही हैं। ओ भाई चढ़ चुके अपन रिटर्न की तरफ और ये हमने शॉर्टकट मार लिया, शॉर्टकट नहीं मार लिया मतलब गांव की तरफ अपन मुड़ गए, काश यहाँ पे होता जबरदस्त कोई साइलेंसर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पूरे गांव के रास्ते पे, ये रास्ते पे मैं पहली बार आया हूँ भाई, ये रास्ते पे पहली बार आया हूँ, ये मेरे को सर्वेश ने सजेस्ट किया था कि भाई मजा आ जाएगा तुमको सच में, एक अच्छा एडवेंचर टाइप हो जाएगा। क्या लोकेशन है बॉस, फिर से मैंने गाड़ी चेंज कर ली, मैं आ गया RC पे, थोड़ी देर के लिए रुके थे हम लोग पानी बॉटल लेने के लिए और थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेने के लिए। संडे का ऐसा मजा किसको मिलता है भाई, सर्वेश ने सही बोला था भाई तुमको मजा आ जाएगा, एक बार चलो मेरे साथ। और ये है इंसान की असलियत, लेफ्ट साइड में शमशान और राइडर्स, तो राइडर्स भी क्रॉस हुए हैं, हमें मुंबई वाले लग रहे थे मुझे, काफी सारे लोग अपने, बहुत लोग मिलने वाले हैं यहाँ पे, ये आ रहे बाकी के लोग, ये रे भाई ये रे भाई ये रे एक और डोमिनार,
मतलब यहाँ आने से पहले ना अपने बैग में सारा सामान समेट लो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कोई चीज मिले आपको ना मिले ऐसा भी हो सकता है। भाई लोकेशन एक नंबर है। और ये रास्ता है भाई, लेफ्ट साइड में डिवाइडर्स नहीं है। पूरा इंडिया घूम के आ गया और घर के पास इतनी अच्छी चीज है, वहाँ पे गए नहीं मैं कभी। तो ये बंदे के साथ अपन वो सारी चीजें करेंगे पूरी। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी जगह जहाँ पे अपन रुक सकते हैं, बाइक साइड में लगा सकते हैं और अपना जो पार्सल है, क्योंकि 2 बज रहे हैं दोपहर के, एक एक बर्गर खाते हैं भाई और मस्त सी फोटोज़ वगैरह कुछ निकालते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह मिली है जहाँ पे पानी का थोड़ा सा फ्लो भी है और बाइक खड़ी करने के लिए सही सी जगह भी है। ओ भाई साहब, यहाँ तो लोगों ने बोतलें फोड़ रखी हैं भाई। थोड़ा सा ना मैं बाइक को इस एंगल में लगाऊंगा कि मतलब बाइक को देखने में भी मज़ा आ जाए। क्या जबरदस्त लोकेशन आई है भाई। कम से कम भी हम लोगों ने डेढ़ घंटा तक मतलब जो भी फोटोशूट वगैरह किया सब किया, उसके बाद कुछ ना कुछ खाया अपना मैकडॉनल्ड से जो अमन ले लिया था। और सर्वेश को सच बोल रहा हूँ भाई, पूरा क्रेडिट जाता है फोटोशूट का, पूरा क्रेडिट जाता है। बंदे ने एक से एक फोटोज निकाले हैं, जितने भी फोटोज यहाँ के आप लोगों को दिखेंगे आरसी और रॉयल इनफील्ड पे, सारा क्रेडिट सर्वेश को। बारिश आ रही है, मुझे लग रहा है मुझे कैमरे को रखना पड़ेगा, क्योंकि कल की वीडियो में थोड़ा बहुत कैमरा गड़बड़ कर रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई कुछ सीन हो सकता है, तो कैमरा मैं रख देता हूँ, कैमरा खराब नहीं होना चाहिए। हाल हो चुका है अपना, मतलब मैंने जो रेन जैकेट लाई थी उसको मैंने इसके ऊपर बांध दिया, मतलब अंदर तक पानी नहीं जाना चाहिए अपने कपड़ों में, कैमरे में और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें। और भाई तो पूरा भीग के पूरा हो चुका है भाई, और अपना भी हाल बुरा है। जा रहे अभी थोड़ी बारिश कम हो गई है, लेकिन उस साइड बहुत बारिश थी, तो अपन ने उधर से यू टर्न ले लिया। अभी दोबारा कसारा से यू टर्न लेके अपन कसारा से होते हुए जाने वाले नासिक। तो मुझे लग रहा है आगे भी बहुत बारिश मिलने वाली है, तो सारा सामान, कैमरा और अडेप्टर वगैरह सब, फोन और अपना वॉलेट सब रख दिया भाई बैग के अंदर। ये दोबारा रखना है सर्वेश। हाँ भाई, ये फोन दोबारा रखना है ना। इतनी भयानक बारिश हो रही थी, बारिश में फंस गए भाई और लगेज वगैरह सब बांधना पड़ा अपने को, रेन जैकेट भी लगेज के ऊपर डाल दिया था। थोड़ी सी दूर आए, हाईवे टच किया, प्लान तो था मतलब वहां से जो घूम के रास्ता है वो सीधा त्रंबकेश्वर रोड पे निकलता है, पर हमारा प्लान क्या हो गया, जब बारिश बहुत तेज हो गई हमको लगा हम किधर फंस ना जाए, अटक ना जाए, तो हम लोगों ने यही रास्ते को ज्वाइन कर लिया, मतलब यू टर्न ले लिया। और ये रास्ता पकड़ते हैं भाई, अभी क्लाइमेट देखो पूरी धूप निकल रही है, तो मतलब जितना हम लोग भीगे थे उतना हम लोग घर तक सूख भी जाएंगे। अपन सूख के गए थे और फिर नेचर ने अपने को सैनिटाइज किया, सैनिटाइज होने के बाद फिर सूख गए। ये सर्वेश भागा, फुल थ्रॉटल दे। भागा भागा भागा, अरे भाई साहब बंदा रेस लगा रहा है। तो बंदा अपने को बता रहा है कि नासिक सिटी के बाहर इसने पहली बार ये गाड़ी निकाली है, जब से ये गाड़ी इसने परचेस की है तब से लेकर आज ये शहर से बाहर इस गाड़ी को आरसी 200 को लेके आया। तो इसको इंजन बहुत स्मूथ लग रहा है, क्योंकि होता ही है भाई मशीन है, मशीन को जब तक आप भगाओगे नहीं तब तक वो स्मूथ होगी नहीं। तो इसी के साथ भाइयों आज की संडे राइड को हम लोग यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाना, जिसको पढ़ पढ़ के मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो पसंद ना आई तो डिसलाइक करना, पर जरूर कुछ ना कुछ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, राधे राधे, और भाई साहब ससरिया काल। चलो राइड हो गई खत्म, नासिक की एंट्री बस लगने वाली है, सौ पे भाग रही अपनी बुलेट।
मजा आ गया। मन ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरे कपड़े गीले हो गए, सब गीला गीला करके घर पे जाएंगे, लेकिन सब सूख चुका है। घर पे जाता हूँ, गरम गरम शावर लेता हूँ और भाई डिनर करके सो जाता हूँ। बाय 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 बाय। ओ भाई साहब, ओ भाई, नासिक की पब्लिक को देखो, पूरे पहाड़ को घेर लिया है। कितनी पब्लिक है, दिख रही है आपको? अरे क्या चल, ये नासिक की जनता है क्या? अरे बाप, देखना भाई, ये सच में इतने पब्लिक बाहर है, सही में लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, पूरे पहाड़ पे लोग ही लोग बैठे। ओ भाई, मैंने सोचा नहीं था यार, मतलब भाई ये तो पहली बार देखा यार मैंने। नहीं, मैंने भी पहली बार देखा ये, मुझे लग रहा है ये लॉकडाउन के कारण है। उसी की वजह से लोग बोल रहे कि चलो यार निकलते हैं, और किसी के भी मुंह पे मास्क नहीं है। ये मुंबई वाले हैं नासिक वाले, ये बता दे बस, है ना? अरे बाप रे भाई साहब, मैंने पहली बार देखा ये, मैंने भी पहली बार देखा है। ये ऐसा पब्लिक इधर आती है, इधर